कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं मेरी वीडियो, जो कि है कि आपके जो पर्सन है वो अभी इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग चल रही है। तो मैंने यहाँ पर दो पाइल्स ली हैं और मैंने दोनों की इमेजेस डाल दी थी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट पाइल है एस ऑफ वॉन्ड वाली, हम उससे शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको कार्ड्स दिखाना चाहूँगी, कौन से कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने एंजल नंबर भी लिया था और कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं जो मैं क्या आपको बाद में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ जर्नल रीडिंग। इफ़ यू वांट एनी पर्सनल रीडिंग एंड यू फेस एनी प्रॉब्लम इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ और एनी अदर प्रॉब्लम, you can contact me or you can message me in my YouTube channel and I will definitely help, but it is a paid reading because I am a professional counselor, healer and a tarot card reader. So let's start with our first pile. आपके जो person है वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनके life में अभी क्या चल रहा है? सबसे पहला जो कार्ड मेरे पास जो आया था वो आया है द हर्मिट का। अभी वो हर्मिट के मोड पे हैं, क्योंकि हर्मिट का जो मोड होता है वो एक ऐसा मोड है जिस पे कि इंसान जो होता है वो अपनी चीज़ों को एनालाइज करता है। वो अपने अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनको वो खुद अपने अंदर से इंटरनली चीज़ों को फील करते हुए उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं अभी कि क्या सिचुएशन रही आप लोगों के बीच में, क्या सच में सिचुएशंस जो थी या वो पर्सन जो था वो इतना ज़्यादा नेगेटिव था या मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव था या जो भी सिचुएशन थी आप लोगों के बीच की, वो उस चीज़ को, उन चीज़ों को वो अभी एनालाइज़ कर रहे हैं और अपनी, या ये कहें कि अपनी गलतियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में सिचुएशन इतनी वर्स थी या फिर वो उनके द्वारा बनाई गई या उन्हें सिर्फ ऐसा फील हुआ कि सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हैं। तो वो अभी अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं। हर्मिट मोड में हीलिंग का भी होता है ये, तो वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं इस वक्त में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि मनी है, अबंडेंस है, पर और एक ये नेचरिंग नेचर का भी कार्ड है। वो अब थोड़ा सा इमोशनल वे में चीज़ों को सोचने के लिए रेडी हैं और हो सकता है कि वो पहले बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे ध्यान देते हो, मेटलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देते हो, लेकिन अभी ये जो एनर्जीज हैं वो हमें ये बता रही हैं कि अबंडेंस है और वो जो है इमोशनली चीज़ों को एक नेचरिंग वे में, केयरिंग वे में लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। वो तैयार हो रहे हैं चीज़ों को एक इमोशनल वे में एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद मेरे पास जो कार्ड आया है वो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का है। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि यदि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, या थर्ड पार्टी ये ज़रूरी नहीं है कि वाइस वर्सा देखिएगा, कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, कोई थर्ड पर्सन ही हो सकता है, उनकी फैमिली हो या उनकी कम्युनिटी हो या फिर कोई कुछ रिलेटिव, कुछ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लेते आपके रिलेशनशिप को। और तो वो जो है आप, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी, आप किसी अपने फ्रेंड से भी हो सकता है वो हेल्प ले रहे हो इस सिचुएशन को समझने के लिए कि
कि मुझे इस रिलेशनशिप को अगर पॉजिटिव वे में देखना है या आगे प्रोसीड करना है तो मुझे आगे कैसे आगे स्टेप लेना होगा। तो वो हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह से या किसी रिलेटिव से वो सजेशन ले रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो टॉर्च जिसके हाथ में है, तो वो उसे उन्हें कुछ कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो अभी किसी और से हेल्प ले रहे हैं या गाइडेंस ले रहे हैं। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मेरे पास आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें ये बताता है कि उनकी लाइफ की जो बैड साइकिल थी कहूँ, या फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशंस वाली जो साइकिल थी लाइफ की, वो जो है वो ख़त्म हो रही है। और जिस तरह से पहिया जब घूमता है तो दोबारा से वो फिर दोबारा सिचुएशन में आ जाता है, तो अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव भी आते हैं। सुख और दुख दोनों ही इस जीवन के आधार हैं। तो सेम उनकी जो कंडीशन है वो जो है अब जो है वो पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि लाइफ की साइकिल जो है वो समाप्त होने वाली है। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी का जो पहिया है वो घूमकर दोबारा से पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप जो है वो नई तरीके से शुरू भी हो सकता है। कुछ सिंगल हैं तो उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है। रिवर्स का पूरा हाथ होगा, और जो भी आप करेंगे वो जो भी वो करेंगे आपके लिए वो पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फर्स्ट पाइल के टैरो के कार्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल नंबर 222 आया है आपके लिए। तो अलाउ योर सेल्फ टू क्रिएट विद ब्यूटी एंड सेल्फ लव रेदर देन फोर्स। तो आपको चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, जैसे चीज़ें चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलने दीजिए। कुछ पर्सनल मैसेजेस आए थे, ट्रू लवर, वो आपके ट्रू लवर हैं। गो इन नेचर, नेचर में जाइए, थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए। आप लोग जो है स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया था, तो हर्मिट का कार्ड हीलिंग का कार्ड होता है। डिवाइन टाइम और गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, डिवाइन टाइम। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों पे इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बीच में डिवाइन टाइम है। तो यू हैव टू पेशेंस एंड सी द थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। सो फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड पाइल लूँगी। सेकंड पाइल में देखते हैं क्या आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग, आपके जो पर्सन है वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ रिग्रेट भी हों, तो अभी जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह फील कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, डिप्रेशन की स्थिति भी हो सकती है। तो उन्हें इस स्थिति से बाहर आना होगा, तभी वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले पाएंगे, पॉजिटिव वे में देख पाएंगे। उसके बाद जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि उन्हें लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, और वो अभी लाइफ में बैलेंस करना सीख रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से बैलेंस किया जाता है इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनी अदर सिचुएशन। तो वो अभी जो है वो चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हैं, और यदि वो चैरिटी करते हैं तो वो ये भी देखना सीख रहे हैं कि किसे रियल में ज़रूरत है उस चैरिटी की, मनी की।
उसके बाद मेरे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो रिलेशनशिप को लेकर अभी दूर तक की सोच रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या जो है इस रिलेशनशिप में आगे किस तरह से मैं प्रोसीड करूँ या मैं किस तरह से पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेते हुए आगे प्रोसीड करूँ। तो अभी जो है वो आपकी अभी उनकी थोड़ी सी अपने आप को वो एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को वो सोच रहे हैं चीज़ों को कि उन्हें वो चीज़ों को किस तरह से पॉजिटिव वे में आगे लेके जाएंगे। द वर्ल्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं कि एक तो वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं और आपके साथ उनको बहुत अच्छा फील होता है, होमली फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनके उनको समझते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। और दूसरा ये है कि उनके लाइफ की जो साइकिल है वो जो है वो फिनिश होने वाली है। और जो है द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि जो चीज़ें जो है वो न्यू होने वाली हैं आपकी लाइफ में, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा होमली फील करते हैं, आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं, दुनिया समझते हैं। उसके बाद है एस ऑफ सोर्स हमें ये बताता है कि उन्हें अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करनी होगी और उसमें उनको विक्ट्री भी मिलेगी, यूनिवर्स का हाथ है। तो अगर वो अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करेंगे तो उनको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। और आपके जो पर्सन हैं वो ये सोच भी रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें कि यूनिवर्स उनका साथ दे और वो आपके साथ जो है लाइफ को सही तरीके से स्पेंड कर पाएँ और एक पॉजिटिव सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकेंड पायल की रीडिंग, और आपके लिए जो नंबर आया था 999, जो कि है दिस इज़ द एंड ऑफ लॉन्ग कार्मिक साइकिल एंड अ चैप्टर इन योर लाइफ, यू हैव लर्नड योर लेसन एंड नाउ इट इज़ टाइम टू मूव यू, इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव। तो आपकी जो लाइफ की जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो जो हैं वो फिनिश हो गई हैं, तो अभी आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए कुछ जो सजेशन आए थे वो क्या है। आपके जो पर्सन है वो अभी सैड है, मैंने जैसे एंजाइटी का कार्ड भी दिखाया था आप ये वाला, ये देखिए ये कार्ड आया था। तो ये मैसेज आया है कि उनको सैडनेस अभी काफ़ी हो रही है और उस चीज़ को उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो उन्होंने आपको बताया नहीं है, तो वो आपको जल्दी बताएंगे। टीज टू मीट यू, हो सकता है वो आपको मिलने के लिए भी बोले। एंड वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। एंड मोर फोकस इन अ फ्रेंडशिप, तो आपसे वो जब भी बात करेंगे तो आपको जो फोकस है वो फ्रेंडशिप पे रखना है, एक लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करनी है और चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव वे में सोचते हुए कूल एंड काम रहते हुए चीज़ों को आगे प्रोसीड कीजिए। और कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा आप जो है इस टाइम पे फ्रेंडशिप पे फोकस कीजिए, तो चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट होती हुई आपको नज़र आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकंड पाइल की रीडिंग। तो अभी जो है मैं एक पेंडुलम से आप लोगों के लिए यस यो नो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर पेंडुलम का यूज़ करूँगी और मैं आपको ये बता दूँगी कि कौन सा कार्ड यस के लिए, कौन सा कार्ड नो के लिए है। और देखते हैं, आप अपने मन में भी कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं। ये नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है जो मैंने यस के लिए रखा है, एंड सेवन ऑफ पैंटिकल्स। तो सेवन ऑफ पैंटिकल्स जो है मैंने नो के लिए रखा है। तो अभी आप जो मैं जो है पेंडुलम को
आप देख सकते हैं। मैं जो है अभी पेंडुलम को घुमाऊंगी इनको, और मैं इनसे आंसर पूछूंगी, तो आप देख लीजिएगा, आप अपने मन में क्वेश्चन जो है वो सोच लीजिए, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपका आंसर यस में होगा या नो में। प्लीज़ वासु मुझे बताइए कि आंसर यस में है या नो में। प्लीज़ मुझे बताइए कि आंसर यस में है या नो में। प्लीज़ बताइए कि व्यूअर का आंसर यस में है या नो में। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए कि आंसर यस में है या नो में। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो यस में होगा। तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि आप एक म्यूट क्वेश्चन जो है वो सोच लीजिए, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कुछ शेयर नहीं कर पाता है, तो आप वो क्वेश्चन अपने मन में रख सकते हैं और उसका आंसर जो होगा वो यस होगा, क्योंकि मैंने यस जो है वो नाइन ऑफ कप्स के लिए रखा था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड आई होप यू लाइक माय रीडिंग्स। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ज्वाइन मी माय इंस्टा, आई रेगुलरली पोस्ट देयर, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन मी इन माय एप भी दीपिका मेडिटेशन पावर, मोस्ट वेलकम टू ऑल। And stay happy, stay blessed always, and keep smile.